हे गाइस, वेलकम टू जे जंक्शन ऑनलाइन एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन का सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड में कैसे करते हैं उसको सीखा जाएगा। गाइस, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए वीएस कोड का यूज करते हैं और उनको दिक्कत आ रही है कि वीएस कोड में किस तरीके से पाइथन का सेटअप करते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। गाइस, पाइथन का और वीएस स्टूडियो का सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आप अपने ब्राउजर को खोलेंगे। मैं यहाँ पे क्रोम खोल के ऑलरेडी रखा हुआ हूं। आके आप इस पे सर्च करोगे पाइथन डाउनलोड। क्या गाइस? पाइथन डाउनलोड। आप जैसे पाइथन डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपको सबसे ऊपर ही टॉप पे एक लिंक खुल के आएगी पाइथन डाउनलोड के नाम से। आपको इस पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे देखिए दिख रहा है, पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.11.0। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो बच्चे बहुत कुछ समय बाद डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पे हो सकता है मे बी कि वर्जन चेंज हो गया हो, तो वो परेशान नहीं होंगे कि यहाँ पे तो मुझे पाइथन 3.11 मिल नहीं रहा है। गाइस, पाइथन का कोई भी वर्जन होगा, सेटअप करने का जो मेथड है सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से पाइथन को डाउनलोड करने कर लेना है। देखिए, मेरा पाइथन तुरंत डाउनलोड हो गया। ठीक है, पाइथन डाउनलोड होने के बाद आप फिर से न्यू टैब पे आएंगे और न्यू टैब पे आने के बाद आप सर्च करोगे वीएस कोड डाउनलोड। आप सर्च करोगे, आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स विंडोज, ठीक, या आपको इधर दिख रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर रिडिफाइंड। आप दोनों में से किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे। मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही गाइस, विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप यहां पर डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे, अगर आप विंडोज में अपना सेटअप करना चाहते हो। जो लोग मैक में करना चाहते हो, मैक के लिए डाउनलोड करेंगे, लिनक्स वाले लिनक्स के लिए। हम विंडोज पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहां पे विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे। जैसे गाइस हम लोग क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये 82 MB का फाइल है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम लोग डाउनलोड होने देंगे। और यहाँ पे वीएस स्टूडियो का डॉक्यूमेंटेशन आ गया है, तो हम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ नहीं रहे हैं। यहां से हम सिंपली दोनों को अब क्या करेंगे, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो मैं कट कर दूंगा। ठीक है, जैसे गाइस कट करूंगा, तो ये अभी हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कह रहा था कि क्या डाउनलोडिंग को रोक दूं, तो नहीं, मैं कहूंगा नहीं, डाउनलोडिंग को कंटिन्यू रखना है। तो देखिए, हमारा दोनों डाउनलोडिंग अब इस फाइल में हो चुका है। आपको क्या करना है, सिंपली पूरे ब्राउजर को यहां से आप कट कर दोगे। कट करने के बाद दिस पीसी, आप अपने पीसी में आओगे, पीसी के अंदर डाउनलोड वाले सेक्शन में आओगे और आप देखोगे गाइस कि देखिए यहां पे पाइथन जो हमने डाउनलोड किया था वो वाला और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों डाउनलोड यहां पे हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए गाइस आप पाइथन वाले लिंक पे दो बार क्लिक करेंगे। जैसे दो बार आप डबल क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होने के लिए इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। अब आप यहां पे देख रहे होगे इंस्टॉल पाइथन 3.11.0 64 bit। यहां पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल नाउ करके, और गाइस जस्ट उसके नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन। कस्टमाइज वो लोग करते हैं जो पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किए रहते हैं और उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो कस्टमाइज करते हैं। हम यहां पे इंस्टॉल करेंगे। इस इंस्टॉल करने से पहले आपको यहां पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, एड पाइथन .exe टू पाथ, इस पे क्लिक करना आप नहीं भूलेंगे। आप एक कंपलसरी यहां पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद गाइस आप इस इंस्टॉल वाले बटन पे आके क्लिक कर दोगे, पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। गाइस ये थोड़ा से समय लेगा इंस्टॉल होने में, तो इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं कि यहां पे पाइथन सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। आपको यहां से कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद गाइस आपको सेकेंड वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप इस वीएस कोड के लिंक पे आएंगे। आने के बाद गाइस इस पे भी आप डबल क्लिक दो बार करेंगे। दो बार जैसे आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा और ये फिर इंस्टॉल होने के लिए खुल के चला आएगा। इस तरीके से ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन को देगा। आपको यहां पे लिख करना है आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट
नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बता रहा है यहाँ पे कि आपका वीएस कोड किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो रहा है। ओके सो अगर आप इसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें वीएस कोड इंस्टॉल होने के लिए कह रहा है तो इट्स ओके। अगर आप चाहते हो चेंज करने के लिए तो आप जहां पे भी जिस पाथ पे भी इस वीएस कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं आप दे सकते हो। मैं इसी पाथ पे इंस्टॉल करना चाहता हूं, इंस्टॉल करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक, अब देखिए यहां पे मुझे नीचे दे रहा है कि डोंट क्रिएट स्टार्ट मेनू फोल्डर। हाँ, मुझे स्टार्ट मेनू फोल्डर नहीं क्रिएट करना है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मैं इस कोई भी चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करना। नेक्स्ट पे आया गाइस, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट डेस्कटॉप आइकन। मुझे डेस्कटॉप पे अपना इस वीएस कोड का आइकन नहीं बनाना है तो मैं इस पे इसको अनचेक ही रहने दूंगा। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। बाकी ये जो नीचे के चार हैं इन चारों को आप चेक करना भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को आप चेक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे गाइस, इसका इंस्टॉलेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ मिनट में ही इसका सेटअप आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा वीएस कोड का। जैसे वीएस कोड का इंस्टॉलेशन हो जाएगा गाइस, मैं आपको अब सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अब इसमें पाइथन का सेटअप कर लेना है। ओके सो देखिए इंस्टॉलेशन हमारा वीएस कोड का हो रहा है और ये जस्ट बहुत तुरंत ही हो जाता है, तो वीएस कोड का इंस्टॉलेशन हो गया। ठीक, अब मैं यहां पे अब फिनिश पे क्लिक करूंगा। जैसे गाइस फिनिश पे आप क्लिक करोगे तो वीएस कोड खुल के इस तरीके से अब आपके सामने चला आएगा। ये आपको क्या करेगा कि बहुत सारे अपना किस तरीके से यूज करना ट्यूटोरियल देगा, तो आपको अभी बेसिकली क्या करना है, यहां से भी कट कर देना है। कट करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पूरा क्लियर इंटरफेस दिख रहा होगा आपको। जस्ट गाइस यहां पे देखिए आ जाना है एक्सटेंशन पे। इस एक्सटेंशन पे आप इस तरीके से ढूंढ के आ सकते हैं एक्सटेंशन पे, या आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स दबा के भी खोल सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं एक्सटेंशन पे। आप जैसे एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि आप कौन सा किसका एक्सटेंशन लगाना चाहते हो, तो मैं यहां पे सर्च करूंगा कि भाई मैं पाइथन का एक्सटेंशन चाहता हूं। जैसे आप सर्च करोगे ऊपर ही टॉप पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, पाइथन लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते गाइस यहां पे आएगा इंस्टॉल करने के लिए। ठीक, मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। अनइंस्टॉल किया, ठीक, आप में आप पहली बार वीएस कोड को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो यहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे गाइस वीएस कोड के अंदर पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस बस सेटअप में यही करना है, बाकी किस तरीके से आपको वीएस कोड स्टार्ट मतलब ओपन करना है, किस तरीके से पाइथन में कोडिंग करना है उसको भी मैं इसी में अभी सिखा देता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि पाइथन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा मैं यहां से इसको भी कट कर दूंगा एक्सटेंशन वाली फाइल पे, और मैं अभी ऊपर यहां पे आप देख रहे होंगे एक्सप्लोर के नाम से आ रहा होगा, इस पे आप अगर गाइस क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्लिक करने से आप फोल्डर और फाइल दोनों बना सकते हो। और आप जब भी कोई अपना कोड करोगे, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लिखोगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है किसी फाइल में उसको रखोगे और वो फाइल किसी फोल्डर के अंदर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स बनाते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आप इस पे आएंगे ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे। ओपन फोल्डर पे आप कहां पे फोल्डर बनाना चाहते हो, तो मैं फोल्डर बनाना चाहता हूं डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप के इस वाले कहीं पे पार्ट पे आपको अपना क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर का नाम मैं यहां पर रख देता हूं वीएस कोड सेटअप। ठीक, वीएस कोड सेटअप कर लिया, इसको मैं एंटर मार दूंगा। और गाइस देख रहे हैं मैं कौन सी फाइल को सेलेक्ट किया हूं इस डेस्कटॉप में, वीएस कोड सेटअप को यहां पे मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। जैसे वीएस कोड का एक फोल्डर बन के आएगा तो आपको दिखा रहा है कि आप वीएस कोड सेटअप के फोल्डर में हो। इसके बगल में देखिए एक छोटी सी बटन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल बन के आ जाएगा। इस पर क्लिक किया, फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, जो भी आप अपने प्रोग्राम का नाम रखते हो उसका उसी के नाम को हम लोग उसी नाम से फाइल बना लेंगे। जैसे मैं यहां पर अपना पहला पाइथन का कोड लिख रहा हूं तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक गाइस, आप प्रेफर करना कि सब चीजें स्मॉल में हो, मैं अगर कैपिटल में अब लिख दिया हूं तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, आप स्मॉल में लिखेंगे डॉट लगा के। ठीक, अच्छा इसको स्मॉल में ही रखना पड़ेगा। ठीक, इसको मैं इंस्टॉल में लिख स्मॉल लेटर में लिखना है,
फर्स्ट के नाम से बना रहा हूं, फर्स्ट जो भी फाइल रहेगा उसके बाद में आपको लगाना है डॉट पीवाई एक्सटेंशन, फर्स्ट डॉट पीवाई एक्सटेंशन। पीवाई एक्सटेंशन क्यों लगाना है गाइस, कि पता चले कि जो आप कोड फाइल बना रहे हो ये पाइथन की है। ठीक, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ये आपका देखिए यहां पे आ जाएगा फर्स्ट डॉट पीवाई के नाम से। इसके अंदर आप अपने कोडिंग को लिखोगे, अपने लॉजिक को लिखोगे। जैसे मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं प्रिंट फंक्शन को लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिख दूंगा हेलो गाइस। ठीक, अभी हेलो गाइस लिखा, अब इसको आप रन कैसे करोगे, एक कोड तो लिख दिया, रन कैसे करोगे? तो गाइस रन करने के लिए आप यहां पे देख रहे होंगे एक रन की बटन है पाइथन फाइल को, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका टर्मिनल खुलेगा और ये टर्मिनल पे खुलने के बाद देखिए आपका लिख के आ गया हेलो गाइस के नाम से। ठीक, ओके, तो आपका पाइथन का पूरा सेटअप हो गया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि आप किस तरीके से आप बाद में दोबारा जब सेटअप के बाद इस वीएस कोड को कैसे आप ओपन करोगे। तो मैं इस फाइल को यहां से कट किया, देखो मैं डेस्कटॉप पे ये फाइल बनाया था वीएस कोड सेटअप के नाम से, इस पर इसको क्लिक किया, ओपन किया, मैं यहां पे आ गया, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ओपन विथ कोड, वीएस कोड का लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद गाइस फिर से हमारा वीएस कोड यहां पे खुल के चला आएगा। आपको फिर दूसरी कोई फाइल बनानी है इस पर क्लिक करोगे, यहां पे फिर मैं बना मान लो ये सेकेंड कोड लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा सेकेंड डॉट पीवाई, एंटर मारूंगा, ये सेकेंड डॉट पीवाई के नाम से खुल के आ जाएगा। यहां पे फिर से आप अपना कोई लॉजिक लिखोगे, इस लॉजिक के अंदर अपना आप कोई कोड लिखोगे और इस कोड को फिर से यहां से क्या करोगे इस पर रन करा लोगे। ठीक, जैसे गाइस देखो आप देख सकते हो कि मैं यहां पे जो लिखा था वो यहां पे प्रिंट होके चला आया है। ठीक, तो आई होप कि आपको पाइथन का सेटअप वीएस कोड में करना भी आ गया होगा और आप इजिली कोडिंग के प्रैक्टिस को आप वीएस कोड में कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।